भोपाल मध्य प्रदेश कटनी से चौपन जाने वाली 51,675 डाउन पैसेंजर ट्रेन की 5 बोगियां शनिवार रात करीब 10 बजे पटरी से उतर गयी। हादसे में 15 यात्री घायल हुए हैं। हादसा कटनी से 35 किलोमीटर दूर सालन और पिपरिया कला के बीच हुआ। जानकारी के मुताबिक हादसे में 15 यात्री घायल हुए हैं। मौके पर रेलवे की राहत और बचाव दल को भेजा जा चुका है। रोशनी की कमी के चलते राहत काम में मुश्किलें आ रही है। घटना से कटनी सिंगरौली रेल मार्ग ठप। DRM जबलपुर MK सिंह के मुताबिक ट्रेन रात 9:15 बजे कटनी से चली थी। इसमें कुल 8 बोगियां थी। रात करीब 10 बजे ट्रेन के पीछे की 4 बोगियां और गार्ड का केबिन बेपत्री हो गया। कटनी से मेडिकल रिलीफ ट्रेन रात 11:15 बजे घटना स्थल पर पहुंच चुकी है। बोगियों के बेपत्री होते ही तेज आवाज हुई और यात्री एक दूसरे पर गिरने लगे, जिसके चलते चीख पुकार मच गई। घटना से कटनी सिंगरौली रेल मार्ग ठप हो गया। करीब 18 ट्रेनों का रवागमन प्रभावित हुआ है। अभी हादसे के पीछे की वजह का पता नहीं चल सका है। पिछले 24 घंटों में ये दूसरा रेल हादसा बिहार के लखीसराय जिले में शनिवार सुबह करीब 4 बजे हुए रेल हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। घटना क्यों रेलवे स्टेशन के आउटा के पास हुआ। आउट यूए सिग्नल होने के चलते ट्रेन की रफ्तार कम थी। ट्रेन में सवार अधिकतर यात्री सो रहे थे। तभी एक जोरदार धमाके की आवाज आई और ट्रेन रुक गई। ट्रेन के रुकते ही जनरल बोगी में चीख पुकार मच गई। बोगी में पटरी का एक हिस्सा घुस गया था, जिसके चपेट में आकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। इस साल 54 बार बेपटरी हो चुकी है। रेल बता दें कि हाल ही में रेलवे की जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल रेलवे से जुड़े हादसों में कुल 254 लोगों की जान गई, जो पिछले साल 607 के मुकाबले करीब 58% कम रही। ट्रेन डिरेलमेंट की घटनाओं में भी इस साल कमी दर्ज की गई। इस साल 54 बार ट्रेन बेपटरी हुई। पिछले साल ऐसे 78 हादसे हुए थे। रेलवे क्रॉसिंग पर पिछले साल के 30 हादसों की तुलना में इस साल 17 घटनाएं हुई।